फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है तश्मीना फैशन चैनल पे। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज इस वीडियो में मैं आपको फुल स्लीव्स डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमने यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग कर ली हुई है, जिसकी चौड़ाई 8.5 इंच है और इसकी लंबाई हमने 18.5 इंचेस पर रखी हुई है। अब इसे सेंटर से हम कट कर लेंगे। अभी एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे तब तक के लिए। अभी ऊपर की तरफ हमारा राइट साइड है स्लीव्स का, और हमने यहाँ पे थ्रेड पाइपिंग बनाई हुई है सीधी पट्टी कट करके। इसको स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे 1 फुट की हेल्प से। हम यहाँ पे आधा आधा इंच ही फैब्रिक अंदर की तरफ दबाएंगे, सिलाई में ज़्यादा नहीं दबाएंगे। पाइपिंग को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और आप चाहें तो इस पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। हमने एक और पार्ट पे भी थ्रेड पाइपिंग लगा ली हुई है। अब स्लीव्स की बॉटम साइड से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और बाकी पे 2-2 इंच का हम निशान लगा लेंगे। जो 1.5 इंच हमने छोड़ा हुआ है वो अंदर की तरफ मोड़ने में सिलाई में जाएगा। यहाँ पे हमने चौड़ी डोरी बनाई हुई है, जिससे हमने पीसेस को कट कर लिए हुए हैं। इसकी लंबाई हमने 5 इंच रखी है। अभी एक डोरी को हम लेंगे और सेंटर में उंगली को रखेंगे, दोनों तरफ से पट्टी को मोड़ लेंगे और हमारा लूप्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब हम स्लीव्स के नीचे इसको रखेंगे। हमने जो 2 इंच का निशान लगाया हुआ था उसी निशान पे ही हम रखेंगे और उसको स्टिच कर लेंगे। हमारा लूप्स जो है वो 1 इंच बाहर रहना चाहिए। अब इसी तरीके से हम एक और लूप्स बना लेंगे, और जो हमने निशान लगाया हुआ है 2 इंच का उसी निशान के नीचे ही रख के हम इस लूप्स को भी स्टिच कर लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे लूप्स बना लेंगे। हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया हुआ है छोटा सा, इसे ऐसे मोड़ेंगे, एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे और इसको सर्कल शेप में इसे कट कर लेंगे। अब नीडल लेंगे और नीडल से इसे स्टिच कर लेंगे, नीचे ऊपर करते हुए पूरे सर्कल में हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे में सिलाई लगने के बाद हम इस कटोरी में ये कॉटन डाल देंगे। आपको जितना बड़ा ये पोटली चाहिए आप उतना अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर थ्रेड को हम अब खींच लेंगे और हमारी पोटली बंद कर लेंगे और नीडल से और थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। देखिए, हमारी एक पोटली जो है वो बनके रेडी हो गई है, कितना गोल बनी हुई है। इसी तरीके से आपको ही बनाना है, और इसी तरीके से हमने और बाकी से पोटलियाँ बनाए हुए हैं। देखिए, हमने लूप्स लगा लिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए उस पर सिलाई भी लगा ली हुई है। अब हम दूसरे पार्ट लेंगे और उसके ऊपर हम ये लूप्स को रखेंगे और लूप्स के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे बड़ा टका करके, कि हम जब पोटलियाँ लगाएं तो हमारा जो दोनों पार्ट है वो ऊपर नीचे ना हो, एकदम अच्छे से बराबर रहे और हम पोटलियाँ लगाने में हमें आसानी हो। ये हम इसलिए सिलाई लगा रहे हैं। आप अगर आप लगा सकते हैं ऐसे ही तो आपको ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमने एक पोटलियाँ पहले से लगा ली हुई है। ये हमने जरी वाला थ्रेड लिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे कोई और थ्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोटलियाँ पे थोड़ा सा स्टिच करेंगे और लूप्स के ऊपर रखेंगे।
हमारा जो ये नोखा है वो थोड़ा सा दिखना चाहिए, उसको हम पूरे तरीके से नहीं कवर करेंगे, देखिए इस तरीके से। और इस पोटलिया में हम पूरा 6 सिलाई लगाएंगे। पोटली पे सिलाई लगाते वक्त हम थ्रेड को खींच के ही इस पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हम जब थ्रेड को अगर नहीं खींचेंगे तो ये इस पे फ्लावर जैसा शेप नहीं दिखाई देगा, इसलिए हम थ्रेड को खींच के ही इस पे सिलाई लगाएंगे कि हमारा पोटली में फ्लावर जैसा शेप आए। यहाँ पे हम छोटी सी बीड्स ली हुई है गोल्डन कलर की, उसको सेंटर में स्टिच कर लेंगे फ्लावर के। फिर पीछे की तरफ से अच्छे से इसे स्टिच कर लेंगे कि हमारी पोटलियाँ खुले ना। और इसी तरीके सारी पोटलियाँ हम लगा लेंगे ऊपर की तरफ। आपको हमारी आज की डिज़ाइन कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।